नमस्कार, 11:30 बजने को है वक्त है आपकी न्यूज का। और देश में हर रोज हजारों बच्चे गुमशुदा होते हैं, ऐसे में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों और उनके परिवार वालों की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा है। इसी दिशा में मंत्रालय की तरफ से एक और कदम उठाया गया है, डिटेल्स इस रिपोर्ट में है। बच्चों की इमरजेंसी हेल्पलाइन सेवा है, जब भी कोई बच्चा आपको मुसीबत में दिखाई दे तो यहाँ फोन करके संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम के सदस्य वहाँ जाकर बच्चों को आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवा, आश्रय की व्यवस्था, खोया हुआ बच्चा, बाल श्रमिक या शोषित हुए बच्चे। ऐसी सभी परिस्थिति में चाइल्डलाइन बच्चों को मदद प्रदान करती है। यदि आप मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं या मुझे कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं तो आप हमें द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। चाइल्डलाइन में आपने फ़ोन किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। देश में गुमशुदा बच्चों की मदद के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 1098 राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की थी। शिकायत की बढ़ती तादाद को देखते हुए अब यह हेल्पलाइन नंबर 25 भाषाओं में लॉन्च की गई है, जो देश के 402 जिलों में काम कर रही है। गुमशुदा बच्चों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और साथ ही बढ़ रही है शिकायतों की संख्या। बच्चों को हर संभव मदद मिले, इसके लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर को बढ़ाकर 6 कर दिया है। इनमें मुंबई में 2 सेंटर जबकि कोलकाता, चेन्नई, गुड़गांव और बेंगलुरु में एक एक सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ लगभग 400 टेली ऑपरेटर्स 24 घंटे काम करते हैं। We will reach all over India. After we've taken huge strides in the last 2 years, but it will be accompanied with professional excellence. It can't be just for the sake of increasing. इस हेल्पलाइन नंबर से जिला अधिकारी, एसएसपी कार्यालय और एनजीओ समेत शहर के सभी प्रमुख कार्यालय जुड़े हुए होते हैं। मंत्रालय के जरिए देश भर के 20 रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। इस हेल्पलाइन के तहत 225 जिलों और शहर में चिल्ड्रन एडवाइजरी बोर्ड का भी गठन किया गया है। जब कोई कॉल आता है, सोच लीजिए जालंधर से कॉल आया 10 नॉट के बारे में, जैसे आपने कहा कॉल आया, तो वो कॉल यहाँ पे आके गिरती है, लेकिन यहाँ से वो क्लाउड टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे प्राइमरी डेटा सेंटर में जाती है, जहाँ से वो ये तय करती है कि ये कॉल कौन से टेलीकॉम सर्कल से आई, ये कॉल का नंबर क्या है, ये कॉल कौन से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से आई, उसके उस हिसाब से वो कॉल वापस कुछ क्षण में, मतलब एक कुछ क्षण में वापस ये गुड़गांव में सेंटर में आ जाती है और उन ऑफिसर के पास आती है जो पंजाबी भाषा में बोल सकते हैं, क्योंकि जालंधर से कॉल आई तो पहली भाषा में हम जवाब देंगे पंजाबी। कॉल सेंटर की माने तो 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर एक दिन में 35 से 40 हजार कॉल आते हैं, जिन्हें हर संभव मदद दिलाई जाती है। और जो लोग इस वक्त जी न्यूज देख रहे हो, हम उनसे यही कहेंगे कि अगर आपके आस पड़ोस में या आपके कार्यक्षेत्र में या आप कहीं भी अगर जाते हैं, आपको कोई बच्चा किसी मुसीबत में दिखे, लावारिस स्थिति में दिखे या उसको किसी भी तरीके की मदद की ज़रूरत है, तो आप 1098 पे कॉल करके उस बच्चे तक मदद पहुंचा सकते हैं, क्योंकि 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से देश भर के तमाम जो DM, SSP, इसके अलावा जो अन्य ऑफिसर्स हैं वो भी इस 1098 से जुड़े हुए हैं और आप इस माध्यम से किसी बच्चे की मदद ज़रूर कर सकते हैं। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गुड़गांव। ये खबर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि दिल्ली में हर रोज 22 बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर लड़के होते हैं। साल 2015 में 7,928 बच्चे गुमशुदा हुए, जबकि साल 2014 में हर दिन 18 बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट आई।